जसराना विधानसभा में सीस पुल से लेकर के और ये कई गांवों तक किसान संघर्ष पदयात्रा जो 20 तारीख से प्रारंभ हुई थी और आज यहां डीएम साहब ने आकर के इस पदयात्रा में सभी सम्मिलित पदाधिकारी पदयात्रियों ने यहां आकर के ज्ञापन दिया है और ये अनुरोध किया है राज्यपाल महोदया जी के लिए ज्ञापन डीएम साहब को दिया है और ये अनुरोध किया है कि जो खारे पानी की समस्या जसराना में है उस समस्या का किसी तरीके से समाधान कराया जाए। पानी इतना ख़राब है कि लोगों को पीने के लिए कपड़े धोने के लिए तक पानी वहाँ व्यवस्थित पानी नहीं है और बहुत खारा पानी है। उसी के संबंध में सभी लोग यहाँ आए थे समाजवादी पार्टी के लोग और सभी ने यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया। किस संदर्भ में सौंपा गया ये ज्ञापन? में पहले अपना नाम बता दूँ, मेरा नाम चरण सिंह यादव है, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रभारी। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है यहाँ पर लगभग मैंने देखा जसराने में कम से कम 50-60 गांव ऐसे जिनमें पानी की व्यवस्था इतनी खराब है पीने की भी और किसानों की भी। तो आज तक किसी भी पार्टी किसी भी दल ने किसानों की आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की हुई किसान यूनियन की तरफ से कि समाजवादी पार्टी ने जो आवाज़ आज उठाई है किसानों के हित में, मैं इनको तहे दिल से बार बार धन्यवाद दूंगा और किसानों को यही आह्वान करता रहूंगा जब भी जरूरत पड़े समाजवादी पार्टी का खुल करके समर्थन करें, क्योंकि आज जो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेतागण वो किसानों की आवाज उठा रहे हैं, किसान के हित की बात कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि भगवान करे उनको और आगे बढ़ाए और जब CM यानी PM तक पहुँचाए अखिलेश यादव जी को। ये मेरी नम्र निवेदन प्रार्थना है किसान भाई। ज्ञापन सौंपा है, किस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया, किसके द्वारा सौंपा गया? ये हमारी 5 दिवसीय किसान संघर्ष यात्रा 20 तारीख से लगातार निरंतर चल रही है। हमारे एका और खैरगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में पिछले 25 से 30 वर्ष से पानी नहीं आ रहा है, विकराल पीने की समस्या है, विकराल सिंचाई का इतना ज्यादा खराब पानी है कि अगर गेहूं में पानी दे देते हैं तो गेहूं मर जाता है। एक एक गिलास पानी को लोग तरसते हैं। कम से कम एक लंबा एरिया है, मड़ा है, खोखती है, नगला खरगा है, इटारी है, बूढ़ना है, तमाम ऐसे एरिया है, खेरिया है, जहां पीने का एक गिलास पानी नहीं मिलता। हम लोगों ने पानी की समस्या को लेके इस पदयात्रा को शुरू किया था। हमारे यहाँ पहले 1000 क्यूसेक पानी नानव से आता था, वो पानी डाइवर्ट कर दिया गया, बाद में दूसरे क्षेत्रों को चला गया, हमारे क्षेत्र को कोई पानी नहीं मिल रहा है। तो हमारी मांग है कि इस हमारे जो माइनर्स हैं, करीब 12-14 माइनर हैं दोनों ब्लॉकों में, खैरगढ़ हाथवंत और एका ब्लॉक में, तो हमारी मांग है कि जो 1000 क्यूसेक पानी नानू से आता था वो नहीं मिल पा रहा है तो भोगनीपुर नहर से सीस पुल से अगर वो 3.5 किलोमीटर का एरिया है अगर सराय पे वहां पे जोड़ दिया जाए फुटरिया नहर को क्रॉस करके, तो हमारे क्षेत्र के 12-15 जितने माइनर हैं, जितने रजवाए हैं, जितने बम्बे हैं, सभी में पानी आ जाएगा। और अगर सारे बम्बों में पानी आ जाएगा तो भूजल स्तर उठ जाएगा, पानी का जो खारापन है वो खत्म हो जाएगा, सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल पाएगा। किसान जो आज 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल का बीघा नहीं कर पा रहा है वो 5-6-7 क्विंटल तक करेगा और करीब 1 से लेकर 1.25 लाख किसान इस पानी से लाभान्वित हो जाएगा। इसलिए हमारे सारे नौजवान साथी सारे किसान लोग 5 दिन से लगातार दिन में सारे दिन 25 गांव 24 गांव चल के आए हैं और सुबह रात को इस विश्राम किया है और सुबह उठ के फिर 20-22-24 गांव चले हैं। 25 किलोमीटर के एवरेज से हम चल के 5 दिन से लगातार आ रहे हैं। हमने यहां पर ज्ञापन सौंपा है और इस आशय से सौंपा है कि इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये
तमाम संवेदनशील मुद्दा है, किसानों के जनहित का मुद्दा है, इसको समझे, उनकी पीड़ा को समझे और इस माइनर को 3.5 किलोमीटर मात्र है जिसमें कोई बड़ा पैसा नहीं लगने वाला है और 3.5 किलोमीटर जोड़ने से कम 7 लाख किसान लाभान्वित तो होने वाला है। इस समस्या को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से सरकार ये ले और इस पानी को जोड़ने का काम करे, इसलिए हम ज्ञापन देने आए हैं और हमने ज्ञापन दिया है, माननीय जिलाधिकारी के नाम दिया है और हमने रास्ते में चलते हुए हजारों 10-15-20 हजार किसानों ने इस पर हस्ताक्षर के अनुमोदन किया है, मांग की है कि इस समस्या विकराल समस्या का भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो थोड़ी संवेदनशील बने और इस समस्या का समाधान करे, ये हमारी बड़ी मांग है।